सिद्धार्थ और मैं हर चीज को डिस्कस करते हैं, अगर किसी को बुरा लगा, अगर किसी को गुस्सा आया, प्यार हुआ तो वो भी। ये हम सबकी कहानी है, मतलब ये सिचुएशन शायद उनका बहुत ही अलग है और कंफ्यूजिंग है, पर उसके किसी ना किसी एस्पेक्ट से आप रिलेट कर पाएंगे और बहुत मजेदार फिल्म है। मेरा इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने का ये पहला अवसर था, तो जिस हिसाब से मुझे इन्होंने कंफर्टेबल फील करवाया, जिस हिसाब से हमारी दोस्ती हुई, शायद उसी की वजह से जैसा परफॉर्म कर पाए हैं कर पाए। थैंक यू, वेलकम टू योर लाइफ। थैंक यू विद्या जी, आप देखते हैं दो दो प्यार में, क्या है फिल्म के बारे में, प्लीज अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। ये रोमांटिक कॉमेडी है, चार लोगों की कहानी है। एक कपल है, शादीशुदा कपल है, जिनके बीच ज्यादा फिलहाल बनती नहीं है, तो वो प्यार ढूंढने बाहर चले जाते I was trying looking for a way to say that. प्यार ढूंढने बाहर चले जाते हैं और फिर वापस एक दूसरे तक थोड़ा जिसे ढूंढने वो बाहर गए थे, अचानक उन्हें वो प्यार अपने अंदर मिल जाता। हाँ। अब क्योंकि अब तो प्यार बाहर भी कर चुके हैं, अब वापस एक दूसरे के साथ प्यार में है, तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। इन लोगों की हालत बहुत खराब है, पर उसे देख के ऑडियंस को बहुत मजा आता है, तो आप एक अच्छे लव गुरु की तरह बता रहे हैं, तो बताइए विद्या जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा? का अनुभव आज तक जितने लोगों ने इनके इंटरव्यू लिए हैं, जितने लोगों ने इनकी हंसी सुनी है, इनकी बातें सुनी है, और सबने जो बोला है वो एकदम सच है। फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतना ही सरल व्यक्तित्व है, इतना ही खुश मिजाज इनका, रोज का जीवन ही ऐसा है इनका, तो सेट पे भी वही रिफ्लेक्ट होता है। और मेरा इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने का ये पहला अवसर था, तो जिस हिसाब से मुझे इन्होंने कंफर्टेबल फील करवाया, जिस हिसाब से हमारी दोस्ती हुई, शायद उसी की वजह से जैसा परफॉर्म कर पाए हैं कर पाए। थैंक यू विद्या जी, आपके बहुत संघर्ष की कहानियां भी हमने आपके पिछले इंटरव्यू में सुनी है, अब आप एक सफल मैरिज में भी हैं, क्या सफल मैरिज का मंत्र क्या है? आई थिंक हर कपल का एक अलग मंत्र होता होगा, पर मेरे ख्याल से एक दूसरे से अगर हम खुलकर हर चीज के बारे में बात करें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। सिद्धार्थ और मैं हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, अगर किसी को बुरा लगा, अगर किसी को गुस्सा आया, प्यार हुआ तो वो भी, जो भी, यू नो, हम सच सच अपने फीलिंग्स व्यक्त करते हैं एक दूसरे से, वो बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ शेयर करना आई थिंक एक कपल के लिए, और वक्त, बहुत ज़्यादा वक्त साथ में बिताना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। पर प्रतीक मेरे से में सहमत नहीं है, क्योंकि वो इतना काम करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता, पर आई डोंट नो, ही स्टिल मैनेजेस ब्यूटीफुली, सो यू मस्ट टेल अस कि मंत्र क्या है। मेरे से दूर रहना पड़ता नहीं नहीं वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है दूर रह के भी करीब रहने के मतलब जो बहाने हैं, हम लोग अभी भी इतना टाइम चोरी करके एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि प्यार को अच्छे से बनाए रखती है। तलाक के बाद भी आज समाज में देखा जाता है दोस्त रह सकते हैं, बहुत सिंपली ऐसे कपल देखने को आते हैं, आपके क्या विचार है? आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग हैं। ओके। ज्यादातर लोग एक दूसरे से के टच में नहीं रह पाते, हाँ अगर बच्चे हैं तो दूसरी बात है, आई थिंक बिकॉज को पेरेंटिंग का जमाना है, तो उस वजह से couples have to keep in touch, and अगर आप दोनों इससे सहमत हैं, इस decision से, और आप खुश हैं अपनी life से, तो शायद एक दूसरे से अच्छी तरह आप बर्ताव कर पाएंगे और शायद दोस्त रह पाएंगे, पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब ये चीज अगर आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को ज्यादा असर नहीं करती है तो बेशक दोस्त रह सकते हैं। सवाल ये आता है दोस्त रह सकते हैं फिर तलाक क्यों हुआ? नहीं, पर आई थिंक दोस्त रह सकते हैं, पर पति पत्नी दोस्त नहीं होते, उनमें दोस्ती हो सकती है पर वो दोस्त नहीं होते, सिर्फ दोस्त से आगे का एक स्टेप पे चले जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के दौर में, आप दोनों से मेरा सवाल है, सोशल मीडिया के दौर में कितना प्रभाव डालता है आम रिश्तों पे, इंसान को कितना प्रभावित करता है आज के दौर का सोशल मीडिया? प्रभाव से ज्यादा दबाव बहुत डालता है मुझे लगता है सोशल मीडिया पे, हर एक चीज़ के लिए आपको लाइक्स चाहिए, हर एक चीज़ पे आपको कमेंट चाहिए, और मतलब 25 अच्छी कमेंट है पर एक दो बुरी कमेंट भी आपको असर कर जाती है,
तो मुझे लगता है नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती भी है। नकारात्मकता एक ऐसा एक तीर है ना जो कहीं दूर तक भी जा सकता है और ये मल्टीप्लाई होता है। मुझे बड़ा मजा आता है कॉमेडी करने में, तो मैं अपनी भड़ा स्वाह निकाल लेती हूँ इंस्टाग्राम पे। करता है बहुत ज्यादा। थैंक यू। आपको लगता है अगर आप 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन सोशल मीडिया ना करो उस तरह की नहीं तो आपके कुछ असर होता है कुछ अंदर से? मैं एक्चुअली रेगुलरली नहीं करती। जब किसी प्रोग्राम के लिए तैयार होती हूँ तब मैं एक रील शूट कर लेती हूँ, तो वो शूट करके रख लेते हैं और कभी कभी डाल देते हैं, हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्तों में 1 बार, उस तरह से। लास्ट में दर्शकों के लिए बताइए, दोनों लोग प्यार देखने क्यों जा रहे? क्योंकि ये हम सबकी कहानी है। मतलब ये सिचुएशन शायद उनका बहुत ही अलग है और कंफ्यूजिंग है, पर उसके किसी ना किसी एस्पेक्ट से आप रिलेट कर पाएंगे और बहुत मजेदार फिल्म है। सारे वरीज जो हैं आप घर पे छोड़ के जाइए और बस अपने पार्टनर के साथ जाइए, किसी और के पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं। तो पता मुझे वापस अपने पार्टनर के पास जाना है कि नहीं जाना? आपकी फिल्म के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मुझसे बात करने के लिए थैंक यू।